अजित, जी तुम्हारी दुआ से बात होती? फोन नहीं है उसके पास। लेकिन माहम के पास तो है। जी माहम से बात हो जाती है, लेकिन जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। दुआ से बात नहीं कराती वो। कल मेहरोज भाई और माहम आए थे। अच्छा, तो आप कॉल कर लेती ना मुझे, मैं आ जाता। नहीं, वो मुझसे मिलने आए थे। तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, तुम्हें खबर तो हो ही जानी है। कैसी खबर? मैं माहम को बहुत समझदार समझती थी, लेकिन वो तो बहुत सेल्फिश है। बड़ी जल्दी राय तब्दील कर लिया आपने माहम के बारे में। खुदा करे दुआ के बारे में भी तब्दील हो जाए। मेहरोज भाई और माहम भी यही कोशिश करने आए थे। तो आपने आराम से बात की है ना उनसे? मेहरोज भाई मुझे कह रहे थे कि उनके लिए दुआ भी माहम जैसी ही है। मतलब जिस शख्स ने सारी जिंदगी बच्चों से दूर गुजार दी, उसके लिए माहम दुआ जैसी हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, वेट वेट वेट। तो बेसिकली वो चाहते हैं कि मेरी शादी दुआ से हो जाए, राइट? दूसरों को मशवरे देने और दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करना बड़ा आसान होता है। मैंने तो कह दिया, अगर दुआ इतनी ही अच्छी है तो जावी से उसकी शादी करवा दें। यार मामा, आपको ये नहीं कहना चाहिए था। उन्हें भी बहुत बुरा लगा कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। रजी की दोबारा कॉल भी आई कि तुमने ऐसा क्यों कहा। मैंने तो कह दिया, तुम ये बात मेहरोज भाई को समझाओ, मेरा बेटा इतना फालतू नहीं है। हद कर दिया मामा, जेन्युइनली। क्या हद करती हूँ मैं? क्यों मानू मैं?